हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये एक्टिवा 6G BS6 है मेरे पास में, और आज हम इसके फ्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर, आप फ्यूज़ की डिटेल के बारे में बताइए, आप जिस तरीके से बताते हो उस तरीके से सही तरीके से समझ में आ जाता है। तो यानी कि फ़िलहाल गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, गाड़ी स्टार्ट है। तो अब देखते हैं कौन सा फ्यूज़ निकालने से क्या होता है। आप भी इस तरीके से किसी भी गाड़ी का सिस्टम को चेक कर सकते हो। तो ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसका 5 फ्यूज़ होते हैं 7.5 एम्पियर के, और फ्यूज़ भी थोड़े अलग ही होते हैं। उल्टे हाथ की साइड का मैं पहला फ्यूज़ निकालता हूँ और इसको देखते हैं। सेम एम्पियर के फ्यूज़ है सभी, अगर अलग अलग हो तो नाम बता भी दूँ आपको, ध्यान में भी रखे आदमी, लेकिन सेम एम्पियर के हैं। तो मीटर की तरफ चलते हैं, क्या मोमेंट होता है देखते हैं इसका। तो देख सकते हो गाड़ी इस समय सेल्फ नहीं ले रही है दोस्तों, केवल सेल्फ नहीं ले रही है, फ्यूल पंप भी काम नहीं कर रहा है, बाकी इंडिकेटर चल रहे हैं गाड़ी के, दोनों साइड के इंडिकेटर चल रहे हैं, और गाड़ी का हॉर्न भी काम कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट फ्यूज़ हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा फ्यूज़ निकाल करके कि दूसरे वाला फ्यूज़ निकालने से क्या दिक्कत प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर, यानी कि अगर दूसरे नंबर का फ्यूज़ फूक जाए, ख़राब हो जाए। ये वायरिंग है नीचे सर्विस की, अगर दूसरे नंबर का फ्यूज़ ख़राब हो जाए, कनेक्शन ना रहे इसमें, तो फिर गाड़ी के अंदर क्या मोमेंट होता है, इस चीज़ को अब देखते हैं हम। मीटर की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरे नंबर का फ्यूज़ क्या कर रहा है, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है, इंडिकेटर भी चल रहे हैं, सेल्फ ले रही है गाड़ी, इंडिकेटर वगैरह सब चालू हैं गाड़ी के, लेकिन हॉर्न नहीं बज रहा है। इस कंडीशन में हॉर्न नहीं बज रहा है, बाकी गाड़ी स्टार्ट है, हेडलाइट भी जल रही है गाड़ी, केवल हॉर्न काम नहीं कर रहा है इसका। अब देखते हैं तीसरे नंबर का फ्यूज़ निकाल करके कि तीसरे नंबर के फ्यूज़ की वजह से गाड़ी में क्या मूवमेंट होता है, यानी कि क्या प्रॉब्लम गाड़ी दिखाती है। तो चलते हैं मीटर की तरफ, देखते हैं कि क्या होता है गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है, और गाड़ी के इंडिकेटर भी नहीं चल रहे हैं तीसरे नंबर के फ्यूज़ की वजह से। अब इसको हम लगा देते हैं दोस्तों, और अब हम देखते हैं चौथे नंबर का फ्यूज़ निकाल करके कि चौथे नंबर के फ्यूज़ में क्या मोमेंट करती है गाड़ी। तो चौथे नंबर के फ्यूज़ में दोस्तों गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है, इंडिकेटर चल रहे हैं गाड़ी के, लाइट भी नहीं जल रही है, और हॉर्न भी नहीं बज रहा है। तो ये मोमेंट इसमें आया है चौथे नंबर की फ्यूज़ की वजह से। अब हम लास्ट वाला फ्यूज़ निकाल के देखते हैं, पांचवें नंबर पे जो फ्यूज़ है उसको डिस्कनेक्ट करके देखते हैं कि अब गाड़ी के अंदर क्या मूवमेंट होता है। तो पांचवें नंबर फ्यूज़ की वजह से दोस्तों गाड़ी सेल्फ भी ले रही है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और अब देखते हैं इंडिकेटर, हॉर्न भी चल रहा है, इंडिकेटर भी चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ हमारी हेडलाइट नहीं जल रही है पांचवें नंबर के फ्यूज़ की वजह से, ना पीछे की हेड बैकलाइट जलेगी, ना आगे की हेडलाइट जलेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है दोस्तों। आप भी अगर किसी गाड़ी को चेक करना चाहते हो, जानना चाहते हो, आपके पास सर्विस के लिए आ गई और आपको नहीं पता है, तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हो, लिख के रख सकते हो कि हाँ ये फ्यूज़ ख़राब होने की वजह से दिक्कत आई। एक फ्यूज स्पेयर का इसमें इसी में है, फ्यूज़ के पास में ही लगा हुआ है, और दो फ्यूज इस बॉक्स में लगे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं। थैंक यू।